आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के टेक्निकल चार्ट को और जानने वाले हैं कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में फर्स्ट निफ्टी का ट्रेंड क्या रहने वाला है, सेकंड हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में काफी क्रूशियल रोल प्ले करने वाले हैं, एंड थर्ड विच इज रियली इंपॉर्टेंट हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके ये जानेंगे कि आपको अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यहाँ पर हम निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे एज पर द डाउ थ्योरी, और सेकंड हम ईएमए के थ्रू भी निफ्टी के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि अभी जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड चल रहा है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर, ताकि हमें हेल्प मिले कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हम उसी डायरेक्शन में एक पोजिशन एग्जीक्यूट कर सके। एंड जब भी गाइज आप निफ्टी की डायरेक्शन में पोजिशन बनाते हो तो उस टाइम पर आपके विनिंग के चांस काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाते हैं। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम यही समझेंगे कि निफ्टी का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से निफ्टी में लोअर लोस की सीरीज लग रही थी, तो जब भी मार्केट के अंदर लोअर लोस की सीरीज लगती है वो पर्टिकुलर सीरीज डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करती है। निफ्टी का ट्रेंड था वो बेयरिश ट्रेंड था, लेकिन अभी निफ्टी अपने लो ब्रेक नहीं किया और प्रीवियस स्विंग के हाई को यहाँ पर ब्रेक कर दिया, तो इट्स मीन कि जो ऑन गोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ये समहाउ रिवर्स हो चुका है बेरिश टू बुलिश। 200 ईएमए के बिहाफ पर भी एनालाइज करते हैं कि जो निफ्टी का ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो गाइस बताना चाहूँगा जब पर्टिकुलर ट्रेंड 200 ईएमए के ऊपर रहता है तो उस टाइम पर मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो बुल ट्रेंड होता है। अगर निफ्टी 200 ईएमए के नीचे क्लोज हो रही है, नीचे ट्रेड हो रही है, तो इट्स मीन कि वो पर्टिकुलर ट्रेंड बेरिश रहता है। पहले थोड़ा सा आपको पास्ट का डेटा दिखाना चाहूंगा, देन हम प्रेजेंट डेटा को यहाँ पर एनालाइज करेंगे। यहाँ पर गाइस जब भी निफ्टी 200 ईएमए के नीचे ट्रेड हो रहा है तो इट्स मीन कि वो नीचे गिरता ही जा रहा है, और जब भी निफ्टी 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड हो रहा है तो इट्स मीन कि निफ्टी ऊपर चलता ही जा रहा है, मीन्स कि बुल रन में है। देखिए गाइस निफ्टी ने अपनी 200 ईएमए को यहाँ पर समाउ ब्रेक किया था, देन उसके बाद नीचे की तरफ ट्रेड होना स्टार्ट कर गया था, मीन्स कि पिछले 2 से 3 महीने से निफ्टी अपनी 200 ईएमए के नीचे ही ट्रेड हो रहा है, और जब जब नीचे ट्रेड हो रहा है इट्स मीन कि जो हमारा कंसर्न है हम मार्केट को एक बेयरिश नज़रिए से देख रहे थे, लेकिन निफ्टी ने 200 ईएमए को यहाँ पर प्रीवियस सेशन में ब्रेक कर दिया था एंड उसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट कर दिया था। तो इट्स मीन कि ये जो आज की कैंडल बनी है कम्प्लीटली 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया इसने, इट्स मीन कि जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था वो कन्वर्ट हो चुका है बेयरिश टू बुलिश 200 ईएमए के अकॉर्डिंग भी। अब हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम सपोर्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो कि मंडे टू फ्राइडे होने वाला है उस पर्टिकुलर सेशन में कौन से लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जिन पर्टिकुलर लेवल्स पे आपको खास तरीके से ध्यान रखना है। फर्स्ट हम यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो गाइस हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है वो 16,791 रुपए का होने वाला है। इट्स मीन कि ये हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। अगर गाइस इस पर्टिकुलर लेवल को निफ्टी ब्रेक कर देता है देन हमारा सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर 17,391 होगा। अगर गाइस हम बात करें थर्ड रेजिस्टेंस की जो कि 17,893 होने वाला है, सेकंड हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट की, तो हमारा जो फर्स्ट सपोर्ट होने वाला है जो कि 16,621 का होने वाला है, एंड सेकंड सपोर्ट की अगर हम बात करें वो 16,477 का होने वाला है, एंड थर्ड सपोर्ट जो कि 16,333 का होने वाला है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, ये काफ़ी क्रूशियल लेवल होने वाले हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। चलो तो गाइस अब हम अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। ये हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट में अभी हमने डिस्कस किया था निफ्टी के ट्रेंड के बारे में, तो हमने जाना था कि जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है वो बुलिश है, एंड सेकंड हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डिस्कस किया था। अब हम जानेंगे कि इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके हमें अपनी ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है। तो बेसिकली गाइस जैसा मैंने बताया था जो निफ्टी का ऑनगोइंग ट्रेंड है तो वो बुलिश ट्रेंड है, तो आपको अपनी ट्रेड को एक बुलिश ट्रेंड में ही फाइंड आउट करना है। सपोज कि मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर स्टक हो गया,
मीन्स कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर काइंड ऑफ डोजी कैंडल बना रहा है या फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा, तो आपको इस पर्टिकुलर लेवल को ऑब्जर्व करना है और जानना है कि निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल पे आकर कैसा रिएक्ट कर रहा है। अगर निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है विद द हेल्दी बुलिश कैंडल, तो जिस कैंडल से इसको ब्रेक करेगा उस पर्टिकुलर कैंडल का 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ हम एसएल ले लेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा ये वाला टारगेट हो सकता है। दिस इज़ फॉर द कैरी फॉरवर्ड, मीन्स कि मंडे टू फ्राइडे हम अपनी ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर हम इंट्राडे पोजिशन बना रहे हैं तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर कैंडल का 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ एसएल ले लेंगे और जो हमारा रिवॉर्ड होगा वो हमारे रिस्क के ट्वाइस होना चाहिए, मीन्स 1:2 का रेशियो यहाँ पर लेके चलेंगे, जो कि आपका ईजिली अचीव हो जाएगा अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है विद द हेल्दी बुलिश कैंडल। लेकिन सिनेरियो ऐसा भी क्रिएट हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल के पास आके या इस पर्टिकुलर लेवल के आसपास आकर काइंड ऑफ डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट कर देता है या इन लेवल्स को नीचे की तरफ नहीं काट पाता है, उस टाइम पर आपको इस पर्टिकुलर सिनेरियो को ऑब्जर्व करना है वेरी क्लोजली और देखना है कि मार्केट इस पर्टिकुलर लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रही है। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही है, यहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर रेंज है उस रेंज का हाई मार्क कर लेना है, एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो उस पर्टिकुलर रेंज को ब्रेक कर दे और जो कैंडल उस रेंज को ब्रेक करेगी उससे 10 से 12 पॉइंट नीचे की तरफ हम एसएल ले लेंगे और जो हमारा टारगेट होगा वो 1:2 का टारगेट लेके चल सकते हैं फॉर द इंट्राडे। कैरी फॉरवर्ड की, तो कैरी फॉरवर्ड में जो हमारा टारगेट होगा वो थोड़ा इनहांस हो जाएगा और हम ये वाला टारगेट ले सकते हैं कैरी फॉरवर्ड के लिए। तो गाइज इस तरीके से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है इन ऑर्डर टू, आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।